Hey guys, good morning, welcome back to the new episode, guys. इस vlog की शुरुआत हो रही है गांव से, guys. हम लोग अभी भी सतीश जी के घर थे एंड क्या मजा आ रहा है इस गांव में. एंड ये हमारा दूसरा दिन है फिलहाल. आई थिंक इज गाइस वी जस्ट वोक अप. आज का प्लान है गाइस हमारा आगरा जाने का. एंड अभी ना सब लोग तैयार होकर के उठे गाइस. ये चेक करो भाई, घर के अंदर इतनी सारी गायें हैं जिनका दूध पी रहे हम लोग. ये बड़ी गाय, ये छोटी गाय, ये उसका बछड़ा है गाइस. ये होगा अभी 2-3 महीने का. हेलो बछड़े, क्या हाल चाल? तुम्हारे जितना एक बछड़ा है बार. हर्ष भैया के जितना बोलो. तुम्हारे जितना हर्ष भैया के जितना बछड़ा है. तो खुल ले, तो कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं सामने. सुबह सुबह उठ रहे गाइस. सुबह सुबह कितने बजे सोते हो? क्या कितने बजे सोते हो? किसने का 6 बजे सो पार्टी करके काम कर? अच्छा वाह, काम कर रहे थे मैं और मेरा भाई काम कर रहे. और ये देखो गाइस ऋतिका चौहान इज हियर, जो सुबह सुबह उठ करके केवल मेकअप करना जानती है. सबको उठाती है जो ऐसा बोलो तो खुद जल्दी भी सो जाती. रात को तो फोन पे रहती है ना. हेलो कौन बोल रहे? हम बोल रहे. पूरी रात भर फोन पे लगी रहती है गाइस. और पता नहीं किससे बात करती है भाई. किससे बात करती है? अकेले जा जाके अकेले और दूर जा जाके छत पे जाके बात कर रही है. किससे बात कर रही थी ऋतिका? कितना झूठ बोल रही. खा लो, अगर अगर मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा लो मैं झूठ बोल रहा हूँ. चेक किया था ना मम्मी थी ना आंटी से, तुम इतनी दूर जाके हम तो सब साथ में बात करते हैं. क्योंकि यहाँ गर्मी हो रही थी. हाँ लेके गई थी बाद में छत में. और रात को नहीं गर्मी. मुझे हर्ट हो रहा है. मुझे बहुत हर्ट हो रहा है गाइस. मैं तुम मत बात करना किसी लौंडे से, समझ रही हो? तुम मत बात करना, मेरी जिंदगी नहीं है अभी तो. पड़ा नहीं रहा ऊपर ज्यादा लौंडा लौंडा नहीं आ रहा है? तो लड़कियों से बात करूं? लड़कियों से बात करूं? ये जनरेशन बर्बाद हो चुकी है, इनको लौंडा लड़कियों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं. सच्ची में पैसा कमाओ जिंदगी में, समझ रही हो? ये प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पैसा कमाओ बेटा, अभी मौका है. वही बोल रही हूँ, ये प्यार. बैंक बैलेंस दिखाऊं? बैंक बैलेंस दिखाऊं अपना? बैंक बैलेंस दिखाऊं? पराठे मक्खन और ये बूरा बोलते हैं, ये चीनी नहीं गाइस, एक्चुअली बूरा है भाई साहब. अगर हम लोग सतीश जी के यहाँ एक हफ्ता रुक गए तो मोटी हो जाऊंगी. मैं भी बहुत मोटा हो जाऊंगा भाई. सच्ची में इतनी अच्छी खातिरदारी हुई है ना हमारी, इतना सारा खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया. सतीश जी थैंक यू सो मच. और टीटू भाई और वीटू भाई अरुण भाई थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. फिलहाल अभी नाश्ता करते हैं गाइस और निकलते हैं फिर. ओके बॉयज वी आर फाइनली रेडी टू मूव. एंड द थिंग इज गाइस सुबह से बारिश हो रही थी. चेक दिस आउट, पूरा फ्लोर गीला गीला रखा है. यहाँ पर हमारी हाइलेक्स सारा सामान पैक हो चुका है. अभी हम लोग लेने जा रहे हैं गाइस अपनी सुपरा. सुपरा की चाबी ले ली. एंड मैं आपको बहुत टाइम से बोला था ना कि गाँव में रहने का बहुत टाइम से सपना था. भाई साहब वेटेड इट, हम लोग पूरा गांव में रहें गाइस. कल इतना मजा है ना, ट्रस्ट मी. शहरों में रह करके 5-स्टार होटल में रह करके जो फीलिंग आती है वो अलग है, बट जो गांव वाली फीलिंग है ना, ये खुशबू, ये माहौल, ये बहुत क्रेजी है. ये चेक करो गाइस, हम लोगों ने अपनी सुपरा पार्क करी थी यहाँ पर. फिलहाल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो थोड़ी सी भीग भूख गई है, बट ओवरऑल सही है. कोल्ड स्टार्ट करते हैं गाइस और फिर निकलते हैं आगे की राइड के लिए. फाइनली निकल रहे हैं गाँव से. एंड हम लोग भाभी और से मिले. पहली भाभी है वो, दूसरी भाभी है और बाकी सारे लोग भी है. पहली भाभी दूसरी भाभी नहीं, बड़ी भाभी है अलग, छोटी भाभी अलग है. मतलब समझ गए ना आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. मैंने व्लॉग इसलिए नहीं करा बिकॉज क्या पता वो अनकंफर्टेबल होते, बट बहुत अच्छे से परिवार की तरह ध्यान रखा गाइस. वो छोटू बच्चा बोल रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी आज. क्यों? कि मेरे को मिलना है कि बाबू भैया से. आइए भाई चक्कर लगेगी. पक्का पक्का अंकल जी जरूर आएंगे दोबारा, अब तो हमारा चिल प्लेस बन चुका है. भाभी जी ने शादी के लिए नोट दिया है पहले उनको. मेरे को तो दे दिया है. मेरे पास तो शादी के लिए. मैं दिखाती हूं दिया शादी के लिए. मेरे को ये सब मिला है. में प्रथा होती है ना कि जब भी लड़की जा रही होती है घर से तो उसे पैसे मिलते हैं, लड़कों का कुछ नहीं मिलता. कितने पैसे मिले ऋतिका? बस इतने सारे मिले कि मैं अमीर बन गई हूँ. बाय भाभी. बाय बाय. थैंक यू सो मच भाभी, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू भाई. मिलेंगे. मगर जो भूल हुई तो बताना. परिवार है बढ़िया. अच्छा नमस्ते. ठीक है भाई बन्ना. ओके भाभी चलो. बाय बाय. बाय वानी. ठीक है बाय बाय. एक परिवार लेकर के जा रहे हैं हम लोग यहाँ से. भयंकर मन नहीं कर रहा है ऐसे जाने का, बट गाइस कसम से बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच भाभी. अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो, सारी भाभी जी बहुत अच्छे से ध्यान रखा सब और भाइयों ने भी. और भाइयों ने, सतीश जी के लड़कों ने भाई अच्छे से ध्यान रखा और इनकी बेटी, सब लोग गाइस. हम फिर आएंगे, फिर से मिलेंगे. लग गई लग गई लग गई.
मिट्टी है, वो तो मिट्टी का ढेर था। तो यार फाइनली हम लोग निकल रहे हैं गांव से एंड आई थिंक इज चेक दिस आउट, मस्त खेतों खूतों से बाहर निकल रहे हैं। ये देख रहे हो गाइस, इसे साइड में जो देख रहे हो ना, इसे बेसिकली ट्यूबवेल बोलते हैं। यहाँ पर ना बचपन में नहाने आते थे, अब तो बड़े हो गए गाइस, चट्टी पहन के नहा नहीं सकते, नहीं तो लोग वीडियोस बना लेंगे। बट हम भी बचपन में ना गाँव में पले बड़े हुए हैं एंड बहुत सारे लोग ये वीडियो जो देख रहे होंगे गाँव की पैदाइश होगी। बचपन में ट्यूबवेल गई हो कभी नहाने के लिए? है ना भाई, क्या मजा आता था, पूरे दिन भर नहाते रहते थे गाइस। काश वो दिन फिर से वापस आ पाते। मेरी नानी के घर में भी था क्या? पर वो वेल था, एक्चुअल वेल था। ट्यूबवेल वही होता है? नहीं, अच्छा वो कुआं पत्थर वाला जो एक्चुअल में पानी जिसमें फूटता है। ओके, खुद से तम उसमें जाते थे, अभी भी है पर अब पानी कम हो गया। एनीथिंग इज गाइस, हम लोग मुजफ्फरनगर वाले गाँव में थे, बहुत सारे लोग यहाँ से ना डीएम भी कर रहे थे कि बाबू भैया आप हमारे एरिया में, हमें बताया नहीं। गाइस आई रियली वांटेड टू चिल, वो कंप्लीट हो गया और अब जो कंटेंट आएगा राइड का, चुम्मेश्वरी। तो गाइस देखो सुप्रा कहाँ से निकल रही है पानी में से, लग गई नीचे। जीटीए का चिट कोट लगा के यही स्विम कराते हैं भाई वो, और कीचड़ कीचड़ हो गया पूरा। सुप्रा जब दुबई में होगी कभी इसने सोचा था?